आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत है। मैं उपेंद्र अनमोल मुखर्जी नगर दिल्ली से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज की ये बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज है कि नाटो से क्या भारत जुड़ेगा। आपने देखा होगा कि नाटो के राजदूत ने भारत को नाटो में शामिल होने का ऑफर दिया है। इस न्यूज के आते ही पूरी दुनिया में हड़कंप मचा है कि भारत नाटो में शामिल होगा क्या, और फिर पूरे विश्व में क्या संघर्ष के नए दौर की शुरुआत होगी। जैसा कि आप सभी लोगों को ज्ञात होगा कि नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जाना जाता है। 1949 में इसका गठन तब किया गया जब पूरी दुनिया अस्पष्ट रूप से दो गुटों में बट गई थी। एक गुट जो समाजवादी था यूएसएसआर के नेतृत्व में, और दूसरा गुट जो पूंजीवादी समूह था यूएसए के नेतृत्व में। ऐसी स्थिति में पूंजीवादी समूह वाले देशों की सुरक्षा के लिए नाटो की स्थापना की गई थी। पहले दो पॉइंट को आप थोड़ा सा समझ लें ताकि आपको पूरी बात आसानी से समझ में आए। देखिए, ये पूरी दुनिया द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूरा वर्ल्ड दो समूह में बट गया। एक समूह पूंजीवादी और दूसरा समूह समाजवादी। जो पूंजीवादी समूह था इसका नेतृत्व यूएसए कर रहा था, इसका लीडरशिप पूरा यूएसए के हाथ में था, और इसका नेतृत्व यूएसएसआर के पास था। अब जितने भी पूंजीवादी देश थे वो समाजवाद और साम्यवाद की विचारधारा से अपनी सुरक्षा चाहते थे, क्योंकि साम्यवाद की विचारधारा, समाजवाद की विचारधारा उन्हें जहर की तरह लग रही थी। क्योंकि हमेशा साम्यवाद यही मानता रहा है कि पूंजीवादी व्यवस्था नागरिकों का शोषण करती है और हमेशा एक वर्ग को शोषित वर्ग बना करके रखना चाहती है ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट मेकिंग कर सके और अपने पूंजी को बढ़ा सके। इवन आपने देखा होगा कि कार्ल मार्क्स ने सीधे कहा था कि पूंजीवादी व्यवस्था कभी भी पूरी दुनिया के पक्ष में नहीं है, क्योंकि पूंजीवादी व्यवस्था में जिसके पास ज्यादा पूंजी होती है उसको ज्यादा लाभ होता है, और जिसके पास पूंजी नहीं होती उसको बिल्कुल लाभ नहीं होता। इसलिए निजी संपत्ति, निजी स्तर पर कार्य करने की और प्रॉफिट मेकिंग की सुविधा और जानते हैं अवसर नहीं दिया जाना चाहिए। लेकिन पूंजीवादी देशों का मानना था कि यह व्यवस्था सबसे अच्छी है। खैर, अगर आज आप देखेंगे तो पूंजीवादी व्यवस्था ही मुख्य रूप से सही साबित होती दिख रही है, और पूरी दुनिया में जिन देशों ने पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाया आज वो सारे विकसित देश बन चुके हैं, और जिन देशों ने समाजवादी व्यवस्था को अपनाया उन देशों ने भी अपनी व्यवस्था को छोड़ करके अब पूंजीवाद की तरफ पूरी तरीके से मुड़ चुके हैं। 2021 में क्यूबा लास्ट देश था जिसने समाजवादी व्यवस्था को छोड़ करके पूंजीवादी व्यवस्था को अपना लिया, और यूएसएसआर का विघटन 1991 में ही हो गया था, और यूनाइटेड सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ यूगोस्लाविया जो 8 देशों का समूह था उसका विघटन 2008 में हो गया था। तो कुल मिला, और चीन ने 1978 से ही अपने आप को पूंजीवादी समूह की तरफ मोड़ना शुरू कर दिया था, और अंततः मार्केट कैपिटलिज्म का मॉडल दे करके उसने अपने आप को मोड़ा। खैर, हम उस पर बात नहीं करना चाहते हैं, पहले इन दोनों समूहों के बारे में बात करते हैं। देखिए, इनके इसी समूह की सुरक्षा के लिए 1949 में नाटो का गठन किया गया, क्योंकि स्टालिन की जो पॉलिसी थी वो पूंजीवादी देशों को लग रहा था कि इससे कड़ी चुनौती मिल सकती है, इसलिए इन्होंने नाटो का गठन किया। वर्तमान में नाटो के कुल 30 देश मेंबर हो चुके हैं, और इसमें वो देश भी है जो इधर पहले थे, और इन्होंने 1955 में, जब इन्होंने 55 में वारसा पैक्ट किया, लेकिन पहले से ही इन्होंने वारसा पैक्ट किया, और वारसा पैक्ट के द्वारा एक यूएसएसआर की सेना खड़ा किया इन्होंने, और इन्होंने नाटो की सेना खड़ा किया। नाटो की सेना दो जगह की सुरक्षा के लिए थी। नाटो की सेना एक तो पश्चिमी यूरोप की सुरक्षा और दूसरा यूएसए की सुरक्षा के लिए थी, मतलब इन दोनों समूह के सुरक्षा के लिए नाटो बनाया गया था। लेकिन 1989 में जब बर्लिन की दीवार तोड़ी गई
पश्चिमी जर्मनी मतलब पश्चिमी यूरोप और पूर्वी यूरोप का बंटवारा मुख्यतः इस आधार पर हुआ था कि पश्चिमी यूरोप के देश पूंजीवादी व्यवस्था को मान रहे थे, पूर्वी यूरोप के देश समाजवादी व्यवस्था को मान रहे थे। और इसका सबसे विभत्स रूप तब देखा गया जब जर्मनी में 1961 में दीवार खड़ा कर दी गई बर्लिन में। इस दीवार को 1989 में तोड़ दिया गया। तभी से देखा जाए तो नाटो की प्रासंगिकता समाप्त होने लगी थी। और 1991 में जब यूएसएसआर का विघटन हुआ तो नाटो की प्रासंगिकता और भी लगभग समाप्ति की तरफ थी। लेकिन नाटो ने कभी भी जानते अपने विस्तार को रोका नहीं, अपने आप को सशक्त बनाते हुए नाटो लगातार आगे बढ़ता गया। और आज की स्थिति में नाटो एक बहुत बड़ी पावर है, क्योंकि उसको कंबैट करने की क्षमता किसी दूसरे सैन्य गठबंधन के पास नहीं है, और व्यवहारिक रूप से दुनिया में कोई दूसरा सैन्य गठबंधन है भी नहीं। इसीलिए चाहे कोई कितना भी जानते हैं आलोचना करे नाटो का या अमेरिका की, लेकिन अंततः जब नाटो की बात आती है सब दुबकने लगते हैं, अपने जानते घरौदे में सब लोग वापस आ जाते हैं। क्योंकि नाटो की सैन्य क्षमता का जिस दिन कोई आकलन करेगा वह युद्ध करने का नाम नहीं लेगा। और उसी संगठन ने भारत को अब अपने नाटो संगठन का भाग बनाने के लिए ऑफर दिया है। ऐसे तो नाटो के मेंबर वही देश हो सकते हैं जो सामान्यतः अटलांटिक महासागर के आसपास हैं। ऐसे कहा जाए तो उत्तरी अमेरिका और जो है पश्चिमी यूरोप के देश ही इसके मेंबर हो सकते हैं। लेकिन नाटो ने कई प्रकार के प्रोविजन बनाए हैं और दुनिया के अनेक देशों के साथ अपने सहयोगियों का विस्तार किया है, जिसके नाते अमेरिका और पश्चिमी यूरोप के विचारधारा से जुड़े हुए तमाम देश नाटो के जानते सहयोगी देश के रूप में बने हुए हैं। और उसी तरीके से भारत भी नाटो का एक सहयोगी देश बन सकता है। और अगर भारत नाटो का सहयोगी देश बनता है तो निश्चित रूप से भारत की सैन्य ताकत बहुत मजबूत होगी, क्योंकि नाटो में एक ऐसा प्रोविजन है जो नाटो को स्पेशल बना देता है। नाटो में एक जानते हैं अम्ब्रेला क्लॉज है। अम्ब्रेला क्लॉज में कहा गया है कि अगर कोई भी देश नाटो का मेंबर बनता है तो नाटो के समस्त संपत्तियों पर, जो सैनिक संपत्ति है, मिलिट्री रिसोर्स है, उस पर उसे अधिकार हो जाता है। इवन अगर कोई देश नाटो का मेंबर है तो उसे परमाणु बम पर भी अधिकार प्राप्त हो जाता है। इसी को कहा जाता है न्यूक्लियर अम्ब्रेला, नाभिकीय छाता। और यही कारण है कि जो देश नाटो का मेंबर बन जाता है उस पर कोई परमाणु हमला करने के बारे में सपनों में भी नहीं सोचता। दूसरा, नाटो का जानते एक क्लॉज यह है कि नाटो के किसी एक देश पर होने वाला हमला नाटो के समस्त देश पर होने वाला हमला माना जाएगा, और नाटो की सामूहिक सेना जानते उसके साथ लड़ेगी, क्योंकि नाटो सामूहिक सुरक्षा के सिद्धांत पर काम करता है। सामूहिक सुरक्षा की थ्योरी पर ही नाटो आगे बढ़ रहा है। आप सभी लोग जानते होंगे नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है, और वहीं से नाटो का जानते जो सैन्य गठबंधन है वो व्यवहारिक रूप से देखा जाए औपचारिक रूप से वहां से संचालित होता है। लेकिन नाटो के पूरी दुनिया में कई जगहों पर बेस बने हुए हैं। यहां तक कि मैं आपको बताता हूं, जहां जहां अमेरिकी बेस है समझिए वो सब नाटो के बेस हैं, क्योंकि नाटो का मेंबर, नाटो के जितने भी मेंबर हैं सारे मेंबर कंट्री के पास वो सारे रिसोर्स हैं जो अमेरिका का रिसोर्स है। अमेरिका की जो मिसाइल है, अमेरिका के पास जो परमाणु बम है, अमेरिका के पास जो कंबैट एयरक्राफ्ट लड़ाकू विमान है, अमेरिका के पास जानते हैं जो तमाम प्रकार के टैंक हैं, तोपे हैं, या इस तरीके के जितने वारशिप हैं, सब मैरिन शिप हैं, वो सारे नाटो के सभी देशों की साझा संपत्ति है, साझी जानते हैं साझे संसाधन के रूप में है। इसी नाते नाटो से जब भी कोई देश जुड़ता है तो निश्चित रूप से पूरी दुनिया के लिए मुश्किल होने लगता है ये खबर सुनकर के। और यही कारण है कि भारत को जब आज ऑफर दिया गया तो पूरी दुनिया में हड़कंप मचा। खासकर ये हड़कंप चीन पाकिस्तान जैसे देश में सनसनी की तरह जानते हैं चल रहा है। अगर आप आज पाकिस्तान का कोई भी चैनल और न्यूज़पेपर देखेंगे या
कोई सोशल मीडिया को भी, तो पूरे दिन भर जानते हैं पाकिस्तान की यही प्रमुख खबर बनी हुई है। और पूरे चाइना में भी आप देखेंगे तो यही खबर आज की जानते मुख्य हेडलाइन है और यही जानते पूरे दिन भर चल रही है। तिलमिला चुके हैं चीन और पाकिस्तान जैसे देश। लेकिन अब यह सवाल बनता है कि क्या भारत नाटो का सदस्य बनेगा। देखिए, नाटो ने भारत को ऑफर तो दिया है, लेकिन भारत की एक स्वतंत्र विदेशी नीति है और भारत अपनी सुरक्षा करने की क्षमता भारत के पास स्वयं है। और भारत यह हमेशा मान करके चलता है कि उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसी दूसरे देश की नहीं हो सकती है। यद्यपि बदलते परिवेश ने भारत ने भी अपनी भूमिका को लगातार लचीला बनाया है और बहुत सारे गठबंधन और समूह में हम जुड़ रहे हैं। जैसे आप क्वाड में देखिए, हम अपनी भूमिका को बढ़ा रहे हैं, तो अमेरिका की सेना के साथ हमारी नजदीकियां बढ़ी हैं, साथ में अमेरिका के साथ कई प्रकार के हमारे समझौते भी हैं, जिसमें जिसमोया समझौता है, लेमोया समझौता है, कामकासा समझौता है। ऐसे बहुत सारे समझौते से हम एक तरीके से अमेरिका के बहुत निकट आ चुके हैं और पश्चिमी यूरोप के अनेक देशों जैसे फ्रांस के हम बहुत निकट हैं, इवन ब्रिटेन के भी हम बहुत निकट हैं। तो ऐसी स्थिति में देखा जाए तो भारत की निकटता जो व्यवहारिक रूप से है वो बहुत व्यापक तौर पे है, लेकिन भारत का ऐतिहासिक सहयोगी रूस रहा है और नाटो अपना मुख्य प्रतिद्वंदी रूस को मानता है। और अगर भारत नाटो का मेंबर बनेगा तो कहीं ना कहीं से एक विश्वसनीय सहयोगी जो ऐतिहासिक रूप से हमेशा भरोसेमंद रहा है उसको जानते हैं खोता हुआ दिख सकता है। तो ऐसे में देखा जाए तो नाटो की सदस्यता या ऑफर मिलना हमारे लिए खुशखबरी है, लेकिन चीन के संदर्भ में देखा जाए, और भारत इस समय तो चीन ही मुख्य चुनौती है पूरी दुनिया के लिए, चीन एक तरीके से डाकू है, अगर उसके बारे में एक शब्द बोला जाए तो कंप्लीट डाकू है। उसके लिए जानते दुनिया का कोई नियम कानून नहीं है, जो चीज उसके लाभ में है, जो चीज उसके हित में है वो वही करता है। तो ऐसे में नाटो का ऑफर हमारे लिए जानते हमको बहुत मजबूत बनाता है, साथ में भारत की बढ़ते हुए अंतर्राष्ट्रीय कद को दिखाता है, अंतर्राष्ट्रीय सूझबूझ को दिखाता है और भारत की सैन्य ताकत को भी जानते हैं महसूस कराता है, क्योंकि कोई मित्र तभी बनता है जब उसमें मित्र बनने की ताकत होती है। आप किसी से मित्रता कब करते हैं? जब आपके समान समूह में होता है। कोई बहुत अच्छा आईएएस की तैयारी करने वाला कोई स्टूडेंट होता, आप कहते हैं ये मेरा दोस्त है, ये बहुत अच्छी तैयारी करता है। उसी तरीके से अगर दोस्ती का ऑफर मिला है तो यह भारत के बढ़ते हुए एमरजेंस को, उभार को दर्शाता है, ताकत को दिखाता है, वैज्ञानिक, आर्थिक और हमारी जानते हैं राजनैतिक क्षमता को दर्शाता है जो हम वैश्विक स्तर पर बना रहे हैं। भारत का विदेश मंत्रालय बहुत बेहतरीन तरीके से काम कर रहा है और इस समय भारत का विदेश मंत्री अभी तक का सबसे प्रोफेशनल विदेश मंत्री कहा जा रहा है। पूरी दुनिया में जयशंकर पोस्टर बॉय की तरह जाने जाते हैं और उनकी क्षमता का पूरी दुनिया के लोग लोहा मानते हैं, क्योंकि जयशंकर कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। वो ना केवल आईएफएस अधिकारी के रूप में बल्कि उस घर में पैदा हुए थे जहां बचपन से ही जानते हैं राजनय डिप्लोमेसी चलती थी। उनके पिता स्वयं बहुत बड़े स्तर के डिप्लोमेट थे और उनकी सूझबूझ देखी जा सकती है जयशंकर के अंतर्गत। तो ये भारत को मिला हुआ ऑफर भारत के विदेश मंत्रालय की सफलता है, भारत की सफलता है, उभरते हुए भारत की सफलता है और भारत के वैश्विक उभार को दर्शाता है। क्योंकि नाटो के राजदूत ने एक बात कही, आपने सुना होगा, उन्होंने कहा कि रूस यूक्रेन युद्ध में भारत की भूमिका की प्रशंसा की जानी चाहिए। भारत ने युद्ध रोकने के लिए कहा और युद्ध रोकने के लिए किसी शर्त की बात नहीं की। चीन ने बीजिंग पीस प्लान पेश किया 12 सूत्री और उसमें जानते समझौते की बात की युद्ध रोकने के लिए। भारत ने कहा कि युद्ध रुकना चाहिए, जबकि रूस कितना भरोसेमंद भारत का सहयोगी। इसका मतलब जब कोई देश इस तरीके से वैश्विक स्तर पर खड़ा होता है, इसका मतलब उसकी ताकत जानते हैं निश्चित रूप से वैश्विक स्तर पर प्रभाव में है। वही इस तरीके के शब्दों का प्रयोग कर सकता है और इस तरीके से अपनी बात को रख सकता है। तो नाटो के द्वारा दिया गया ये ऑफर हमारे लिए बहुत बेहतर है, लेकिन अभी ये कहना कि भारत इसमें शामिल होगा, भारत नाटो का मेंबर बनेगा, ये जानते हैं जल्दबाजी होगी। यद्यपि नाटो के साथ हमारी निकटता और बढ़ेगी, कई मामलों में नाटो के देशों के साथ हमारे रक्षा समझौते, सुरक्षा के समझौते और बेहतर होंगे।
तकनीकी स्तर पर हमारे मिलिट्री कोऑपरेशन बढ़ेंगे, क्योंकि यह स्टेटमेंट कोई सामान्य स्टेटमेंट नहीं है, कोई जानते हैं आधा अधूरा स्टेटमेंट नहीं है, यह बहुत बड़े भविष्य की तरफ इशारा कर रहा है। वैसे भी वर्तमान में चीन विश्व का अगुआ बनना चाह रहा है, अपने को सुपर पावर के रूप में दिखाना चाह रहा है और पूरे विश्व में गुटबंदी कायम कर रहा है। अमेरिका उस गुटबंदी को तोड़ते हुए जानते एक नए अलायंस की तरफ जो है इशारा कर रहा है, यह अपने आप में बहुत ही शुभ संकेत है। तो इस विषय को जानते हैं, आज की चर्चा में हम लोग इतना लेंगे, लेकिन एक दिन हम लोग जानते हैं एक वीडियो में विशेष चर्चा करने वाले हैं, बदलती हुई दुनिया में जो खेमेबाजी गुटबंदी दिख रही है उसमें किसका उभार हो रहा है और कौन प्रभावित हो रहा है और कौन नए समूह बन रहे हैं, यह जानना सभी के लिए बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि एग्जाम के लिए भी और जानते बदलती हुई दुनिया के लिए भी। बहुत बहुत धन्यवाद सबको, बहुत बहुत नमस्कार।